दोस्तों, रेलवेज़ के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। ये हमें हेल्प करता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में, और जिस जगह से पैसेंजर अपनी जर्नी स्टार्ट और एंड करते हैं उस जगह को कहते हैं स्टेशंस। ये ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर ट्रेन चलती और रुकती हैं, पर इनमें से कुछ स्टेशंस अपने अंदर ऐसे राज छुपाए हुए हैं जिनके बारे में सुनकर आप ट्रेन में सफ़र करने से डरोगे। तो आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा कुछ ऐसे भूतिया रेलवे स्टेशन जिनके बारे में जानते तो सब हैं पर कोई बात नहीं करना चाहता। तो आज इन रेलवेज़ के बारे में खुलकर बात करूंगा और आपको उनके बारे में कुछ ऐसी मिस्टीरियस बातें बताऊंगा, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि जब लोग इन स्टेशंस पर आते हैं तब उन्हें क्या क्या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ फील होती हैं। तो आज का वीडियो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा कुछ ऐसे भूते रेलवे स्टेशनों के बारे में जो कि अपनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, जो हमारा पहला हॉन्टेड स्टेशन निकल कर आता है उसका नाम है रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन, और शायद इसके बारे में तो आपने सुना भी होगा। ये स्टेशन दिन के वक्त तो एक आम स्टेशन जैसा होता है, पर रात के वक्त ये अपना रूप पूरी तरह बदल लेता है। जो इस स्टेशन से रात के वक्त ट्रैवल करते हैं उनका मानना है कि अराउंड रात के 10:30 बजे लोगों को उस स्टेशन पर एक लड़की की घोस्टली फिगर दिखाई देती है जो कि कुछ सेकंड के लिए ही अपेयर होती है, फिर उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है। और इस बात को कोई एक इंसान नहीं बल्कि हज़ारों लोग कहते हैं कि इस स्टेशन पर कुछ ऐसा पैरानॉर्मल ज़रूर है जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। पर क्या है इसकी मिस्ट्री और कौन है वो लड़की, इसके बारे में कोई नहीं जानता। दोस्तों, अगर आपको सच में कुछ पैरानॉर्मल फील करना है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इस स्टेशन पर जाइए। मैं यकीन से कहता हूँ आपको कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल ज़रूर फील होगा, और इसी चीज़ के लिए ये स्टेशन बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इस स्टेशन पर दूर दूर से ट्रैवलर्स आते हैं सिर्फ इसीलिए कि उन्हें कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ फील हों। असल में वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि रात के अराउंड 12:30 बजे के करीब अगर आप इस स्टेशन से ट्रैवल करते हो तो आपके पीछे एक डीमोनिक स्पिरिट लग जाती है जो कि आपको तब तक फॉलो करती है जब तक कि आप उस स्टेशन से चले ना जाओ। और वो स्पिरिट अपनी अपेरेंट शैडो के ज़रिए एक खिड़की से दिखाती है। वो लोगों को कुछ इस तरह दिखाई देती है जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर जो फ़ोटो देख रहे हो, बिल्कुल सेम इसी तरह। और लोगों का ऐसा भी मानना है कि जब वो स्टेशन से जा रहे होते हैं तब उन्हें अपनी बैग पर एक इनविजिबल हैंड फील होते हैं और उनके शोल्डर पर एक हैवी वेट सा फील होता है। और तो और ट्रेन के ड्राइवर का भी यही मानना है कि जब वो स्टेशन से जाते हैं तब उन्हें अपनी ट्रेन के सामने एक फीमेल दिखाई देती है जो कि उनका रास्ता रोकती है। और ज़्यादातर लोग स्टेशन पर इसीलिए आते हैं ताकि वो उस स्पिरिट को कैप्चर कर सकें अपने कैमरे में। और ख़ास मैं पर्सनली इस स्टेशन पर एक बार ज़रूर जाना चाहूँगा। दोस्तों, अगर हॉन्टेड स्टेशन्स की बात हो रही हो और इस स्टेशन का नाम ना आए ऐसा कैसे हो सकता है? जो स्टेशन्स अब तक मैंने आपको बताया है ये उनमें सबसे ज़्यादा हॉन्टेड है, और ये स्टेशन तो लोगों की जान तक ले लेता है। और पूरी दुनिया में ये एक ऐसा इकलौता स्टेशन है जो कि लोगों की जान ले लेता है। जो इस स्टेशन से ट्रैवल करते हैं उनका ऐसा मानना है कि जब वो स्टेशन पर खड़े होकर ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं तभी उन्हें ऐसा फील होता है जैसे कोई उन्हें ट्रैक पर धक्का देने की कोशिश कर रहा है, और कुछ लोग तो ट्रैक पर गिर भी जाते हैं। और जो पैरानॉर्मल रिसर्चर्स होते हैं उनका ऐसा मानना है कि इस स्टेशन को एक छोटी बच्ची की आत्मा हॉन्ट करती है जिसकी मौत ऐसे ही हुई थी ट्रेन के ट्रैक पर गिरकर, और अब वो लोगों के साथ भी यही कर रही है। और कुछ लोगों की तो इसी तरह गिरकर मौत भी हो चुकी है इस स्टेशन पर, और ये सबसे जानलेवा स्टेशन है पूरे वर्ल्ड में। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको सबसे ज़्यादा हॉन्टेड स्टेशन कौन सा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर जाना, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।